सर्वसाधारण वाहन चालकाने वाहतूक नियमांचे पालन केले नाही तर त्याला वाहतूक पोलिसांकडून दंड दिला जातो। मात्र एका वाहतूक पोलीस विभागातील नो पार्किंग वाहनाने जर नियमाचा भंग केला तर त्याला चालन का नाही असा प्रसंग राजकमल चौकात सोमवारी दुपारी पाहावयास मिळाला। ड्यूटीवर असलेल्या महिला वाहतूक पोलीस कर्मचाऱ्यांना आमच्या सिटी न्यूजचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी विचारले असता त्यांना यावर स्पष्टीकरण करता आले नाही। यानंतर वाहतूक पोलीस निरीक्षक रीता उईके घटनास्थळी दाखल होऊन त्यांना नो पार्किंग वाहन चालकाची चूक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी लक्षात आणून दिली। जर इतरांनी वाहतूक नियमांचे पालन केले नाही तर तुम्ही दंड कसा देता? मग आपल्यास नो पार्किंग वाहनांना चालन का नाही असा थेट सवाल डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी उपस्थित केलाय। जर वाहतूक पोलीस विभागाच्या नो पार्किंग वाहनात जर चौकात गाडी उचलण्यास मनमानीपणे कारभार करीत असेल तर त्यांच्याकडनं सर्वसामान्य वाहन चालकांनी कोणता बोध घ्यावा असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे। ये ट्रैफिक यहाँ से सिग्नल खुला और ट्रैफिक की गाड़ी आपके यहाँ पे रुकी, पूरा सिग्नल वो गाड़ी चालन क्यों नहीं होती ट्रैफिक की? नहीं, ये गाड़ी के बिना एक एक आदमी वो उस ट्रैफिक ने जिसने चालान रोका आपका पूरा ट्रैफिक जाम किया, वो ट्रैफिक की गाड़ी चालन क्यों नहीं होती? ये गाड़ी, गाड़ी मैडम आप यहाँ पे किस चीज के लिए हो? ये गाड़ी के बिना आप यहाँ किस चीज के लिए हो? हाँ ट्रैफिक की गाड़ी यहाँ पे नो पार्किंग की गाड़ी उसके लिए रुकी बराबर रुकी गाड़ी किसकी भी गाड़ी के लिए रुकी पीछे से सिग्नल खुला हुआ है आपका काम यहाँ पे क्या है ट्रैफिक का नियंत्रण करना मैं आप सुन लो ना मैडम आपका काम है ट्रैफिक का नियंत्रण करना और जब ऐसे समय आपके ट्रैफिक विभाग की गाड़ी पूरा नियंत्रण खराब करती है तो वो गाड़ी चालन क्यों नहीं होती वो ट्रैफिक की गाड़ी जिसने यहाँ पे ट्रैफिक रोका वो चालन क्यों नहीं होती किसकी भी गाड़ी के लिए वो गाड़ी यहाँ रुकी ना वो गाड़ी यहाँ रुकी ना मैडम मैडम मैं पूछ वो गाड़ी यहाँ रुकी ना किसी की गाड़ी के लिए रुकाऊंगा वो गाड़ी यहाँ पे रुकी है हाँ ना गाड़ी उठाने के लिए रुकी ना उसके लिए पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया उन्होंने पीछे मैडम आप समझ नहीं रहे आप उइके मैडम को बुलाइए यहाँ पे